दोस्तों बहुत सारे लोगों का पैन कार्ड खो जाता है और उनको पैन कार्ड निकलवाने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि उनको वही प्रोसेस करना होता है जो कि एक नया पैन कार्ड बनवाने का होता है। तो डिजिटल इंडिया के तहत अब आप खोए हुए पैन कार्ड को आसानी से घर बैठे 1 मिनट में निकाल सकते हैं। आप पैन कार्ड चाहे NSDL से बनवाए हैं या UTI से बनवाए हैं या इनकम टैक्स के ऑफिशियल पोर्टल से बनवाए हैं, तो इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाएंगे किस प्रकार से आप अपने किसी भी पुराने पैन कार्ड को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नए पैन कार्ड या पुराने बने हुए पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि पैन कार्ड किस पोर्टल द्वारा बनाया गया है। पैन कार्ड आपका या तो NSDL द्वारा बनाया जाता है या UTI ITSL द्वारा बनाया जाता है या इनकम टैक्स के वेबसाइट से बनता है। ये 3 जगह से आपका पैन कार्ड बनता है। अब आपको ये पता करने के लिए कि आपका पैन कार्ड कहाँ से बना है, इसके लिए आप पैन कार्ड के बैक साइड में देख लीजिए, वहां पे लिखा होता है कि किसके द्वारा पैन कार्ड बनाया गया है। तो NSDL से पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए इस पोर्टल में आएंगे, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे आप पैन नंबर अपना डाल देंगे, उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है। अगर आप इंडिविजुअल हैं, अगर कंपनी है, तो आपको यहाँ पे आधार नंबर नहीं डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में आपको मंथ और ईयर केवल डालना है। अब ऊपर यहाँ पे आप अगर आप नया बनवाए हैं और आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर है, तो यहाँ पे आप एक्नॉलेजमेंट नंबर से निकाल सकते हैं। उस केस में अगर आप नया बनवाए हैं, 30 दिन के अंदर, यहाँ पे आप देख लीजिए ये लिखा हुआ है कि अगर 30 दिन के अंदर आप डाउनलोड करते हैं बनवाने के बाद, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और अगर आप पुराना पैन कार्ड निकालेंगे, तो जितने बार आप निकालेंगे 8.26 आपको इंक्लूडिंग GST पे करना होगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पे टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे आपको कैप्सा टाइप कर देना है। उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद इस प्रकार से आपकी डिटेल दिखाई देगी, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पिन कोड। अब आप OTP अपने ईमेल में या मोबाइल या दोनों में प्राप्त कर सकते हैं। तो जिसमें आपको OTP चाहिए, यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद इसको कंफर्म करके जनरेट OTP में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे OTP डालना है। OTP डालने के बाद वैलिडेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया कि हमको पेमेंट करना है 8 रुपए की, क्योंकि ये पैन कार्ड पुराना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आपको पेमेंट का मेथड पूछ रहा है कि आप पेमेंट कैसे करेंगे, क्लिक करके हम प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए QR का भी ऑप्शन है, तो हम QR में आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। हमारा पेमेंट इस प्रकार से सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद हम कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, जनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसीव। मोबाइल में आपके मैसेज भी आ जाएगा, लिंक वहां पे रहेगा और यहाँ पे आपको डाउनलोड ई पैन का ऑप्शन डायरेक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जो PDF डाउनलोड होगी वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी। तो यहाँ पे जो आपका पासवर्ड होगा वो डेट ऑफ बर्थ आपका होगा DDMM YY में। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ पूरा डाल दीजिए बिना स्लैश के, आपका PDF। तो इस प्रकार से आपका ई पैन डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप निकलवा के कार्ड बनवा सकते हैं, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लेंगे। काफी इजी है, आप बहुत आसानी से 1-2 मिनट के अंदर निकाल सकते। अब देखिए हम दूसरे ऑप्शन पे थोड़ा आपको बता देते हैं। अगर आपका पैन कार्ड UTI से बना है, यहाँ भी सेम प्रोसेस है, आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर आप 1 महीने के अंदर अपना पैन कार्ड डाउनलोड करते हैं, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर 1 महीने के बाद आप पैन कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं बनने के, 8.26 इंक्लूडिंग GST यहाँ पे करना होगा। प्रोसेस सेम होगा, आपको पैन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ MM YY डाल दीजिए। उसके बाद सबमिट
करेंगे ओटीपी आएगा, फीस जमा करेंगे, आपका पैन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तीसरा, अगर आप इंस्टेंट ई पैन बनवाए हैं, पैन कार्ड फ्री आप कास्ट बनवा सकते हैं, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, अगर नहीं पता है तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पे इंस्टेंट ई पैन में क्लिक करेंगे, अगर आप इनकम टैक्स के पोर्टल से अपना पैन कार्ड बनाए हैं, जैसे वहां पे क्लिक करेंगे तो चेक स्टेटस डाउनलोड पैन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ आप अपना आधार नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा और आपका पैन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो ये आपको मैंने तीनों जगह का बता दिया है, आप कहीं से भी पैन कार्ड बनवाए हैं आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तीनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।